मैं एक और यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे अभी अभी एक सूचना प्राप्त हुई है कि आज सभी सदस्यों का लंच, मैंने तो महिला सदस्यों के लिए लंच के लिए कहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सहनशीलता है कि उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों के लंच विधानसभा के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मैं अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका और सरकार के प्रयास से आज ये विशेष हमारा विधानसभा का सत्र है और आज के दिन हम केवल महिला सदस्यों को ही बोलने का अवसर दे रहे हैं। जहां आपने नेता सदन और मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि अध्यक्ष जी लगातार इस प्रयास में हैं कि नई नई चीजें आए, और जब से आप अध्यक्ष बने हैं बहुत सी चीजों को बदलते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि बिना सरकार के सहयोग के, बिना सरकार के बजट के बहुत सारे काम नहीं हो सकते हैं। और कभी गैलरी का सुंदरीकरण हो, और अब टैबलेट भी हमारे सामने आ गई है। केवल एक टैबलेट नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष जी, दूसरी भी टैबलेट दे रहे हैं आपको, तो दो दो टैबलेट हम लोगों के पास हो जाएंगे। और जब कभी हम लोग चाय या कॉफी पीने का बाहर जाते थे तो कैसी चाय मिलती थी, कैसी कॉफी मिलती थी, अक्सर हमारे सदस्यों को शिकायत रहती थी, लेकिन उस शिकायत को भी आपने दूर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल तो हमारे एक सदस्य चाय पीते पीते ये भूल गए कि सदन में उन्हें रहना है। तो कभी कभी अच्छे काम की वजह से ये भी हो जाता है।